अलीगढ़ आज बजरंग बल के संयोजक गौरव शर्मा के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन रामघाट रोड पर स्थित एक होटल में किया गया। जानकारी देते हुए बजरंग बल के संयोजक गौरव शर्मा ने बताया कि विगत रात्रि अलीगढ़ महानगर के सराय सुल्तानी के एक होटल व्यवसायी पर ग्राहक के मध्य विवाद और मारपीट की इस घटना के दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सांप्रदायिक स्वरूप धारण करने को लेकर व घटना के लिए पुलिस की शिथिलता और भ्रष्टाचार को उत्तरदायी मानते हुए अलीगढ़ महानगर के सभी नागरिकों से शांति बनाए रख पुलिस कार्रवाई हेतु उपयुक्त समय देने का निवेदन किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक बताकर पेश किया जा रहा है सुलता, यह एक दुकानदार व ग्राहक का विवाद है, यह सांप्रदायिक घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि मिश्रित आबादी के इतने बड़े महानगर में ग्राहक दुकानदार वाहन चालक सवारी मकान मालिक किराएदार के झगड़े होने स्वाभाविक है, किंतु ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक स्वरूप धारण कर ले यह पुलिस की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली का प्रतीक है। उन्होंने आगे प्रश्न किया कि सराय सुल्तानी पुलिस चौकी घटना स्थल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, तब यह घटना तत्काल नियंत्रित क्यों नहीं हो सकी, ऐसी पुलिस का समाज क्या करे। इस घटना के लिए सीधे तौर पर स्थानीय पुलिस का भ्रष्टाचार व नगर निगम अलीगढ़ का निकम्मापन जिम्मेदार है, क्योंकि नगर निगम की निष्क्रियता के कारण वहां अवैध ढाबे व होटल चलते और पुलिस अवैध रूप से व अनैतिक रूप से शराब पीने की अनुमति देती है। गौरव शर्मा ने व्यथित होकर कहा कि यह अत्यंत निराशाजनक है कि अलीगढ़ जैसे संवेदनशील शहर में पुलिस अधिकारियों का आचरण व्यवहार शहर की मनोदशा सांप्रदायिक इतिहास के अनुकूल नहीं है। उसमें आप क्या कहेंगे, पुलिस प्रशासन का किस तरह का वो था, जो काम था उसका पुलिस चौकी के निकट हुई। एक दुकानदार कप्तान ने कहा कि वो शराब पी हुए था जो लड़का था, तो क्या मानते हैं कि जो है केंद्रीय भाजपा कार्यकर्ताओं को या बजरंग दल कार्यकर्ताओं को रात सड़कों पे आना पड़ा, देखो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये घटना एक दुकानदार और एक ग्राहक के बीच की घटना है, लेकिन पुलिस की शिथिलता के कारण ये सांप्रदायिक रूप ले गई। जहाँ घटना हुई वहाँ से 50 मीटर दूरी पर पुलिस चौकी है, जब घटना हो रही थी तभी उसको क्यों नहीं रोका गया, क्यों दोनों तरफ से इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है प्रशासन की शिथिलता पर। और वो शिथिलता इसलिए है क्योंकि वहाँ जितने भी होटल हैं उन पर कहीं ना कहीं जो स्थानीय लेपर्ड वाले हैं या चौकी इंचार्ज हैं उनकी हफ्ता वसूली होगी, उनसे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार के रूप में लेते होंगे, क्योंकि उन वहाँ पर जानकारी अगर आप करेंगे ठीक से तो वहाँ शराब भी पिलाई जाती है। और उसके बराबर में जो ऊन मार्केट है, उस ऊन मार्केट की जो जगह है पूरी, वो नजूल की जगह है, वो सरकारी जगह है, वो ज़बरदस्ती बना दी गई है। उसके साथ साथ सुबह एक केले का ट्रक खड़ा होता है, अंदर केले पकाने का काम रहता है, उसमें भी उस जो कारखाना है उसको 3 साल पहले प्रशासन ने बंदी का आदेश दिया है, लेकिन वो आज तक बंद नहीं हुआ। ये घटना मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये केवल 2 लोगों की घटना थी लेकिन वो सांप्रदायिक रूप ले गई। ये जो घटना हुई थी वो चिकन को लेकर जो मामला सामने आ रहा था, तो इसमें जो खास तरीके से किसका इसमें रोल रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊं, अब मीट तो समाज के दोनों ही वर्ग के लोग खाते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हिंदू हूँ तो मैं किसी मुसलमान दुकानदार के पास ना जाऊँ, या कोई मुसलमान ग्राहक है तो वो किसी हिंदू दुकानदार के पास ना जाए, ये तो चलेगा इस शहर के अंदर क्योंकि दोनों ही लोग रहते हैं। तो क्या छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर सांप्रदायिक रंग दे दिया जाएगा? क्या मानते हैं, मार्केट वहाँ काफ़ी समय से है, महिलाएँ भी जाती हैं और इस तरह घटना होना नहीं, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ चाहे वहाँ का ऊन मार्केट हो चाहे वहाँ के होटल हो, वो तत्काल प्रभाव से हटा देने चाहिए। जब इतना सारा अलीगढ़ में नगर निगम अभियान चल रहा है जगह जगह, तो वहाँ पर क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा होने जा रहे हैं? अभी तक कोई गिरफ्तारी की प्रशासन ने पेशकश नहीं की, हमने गिरफ्तारी कर ली। देखिए क्या मानते हैं? देखिए, मैं उस बात पर भी आता हूँ, आप समझिए, अभी अगर आप थोड़ा सा पिछले जाएंगे तो 3 मंदिर तोड़ दिए गए, उससे पिछले जाएंगे तो 2 मुसलमानों की हत्याएं हुई है कचौड़ी वाले के द्वारा, उससे और पहले जाएंगे तो एक ई रिक्शा वाला मुसलमान बेहोश हो गया था, वहां पर कोई भी भाजपा का नेता नहीं पहुंचा। आप विचार कीजिए, कल एकाएक भाजपा के नेता वहां पर पहुंच गए और सड़क पर बैठ के जय श्री राम के नारे लगाने लगे, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। भाई क्यों, सरकार तुम्हारी है, मेरे हिसाब से भाजपा के नेताओं को वहां नहीं जाना चाहिए था। और अगर आप वहां गए थे तो आप वहां पर क्या चमत्कार करके आए, क्या पीड़ित को न्याय मिला? नहीं मिला।
आज सुबह से कल रात से आज शाम हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप लोगों के पास हो तो पता है, पता नहीं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो विशेष समुदाय के लोग हैं, और आप देखिए अभी एएमयू प्रकरण उठा था शहर के अंदर, उसमें भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अपनी अपनी सफाई भी तो कह रहे थे कि हम लोग इसकी कार्रवाई कर रहे हैं और दो लोगों को गिरफ्तार कर किया है। सर सुनिए, अब कार्रवाई की बात सुन लीजिए, अगर ऐसी ही घटना किसी हिंदू बस्ती के द्वारा हो गई होती तो अब तक किवाड़े तोड़ के दोषियों को निकाल लिया गया होता। जो लाइट बंद करके उनकी महिलाएं ऊपर से पत्थर चला रही थी, लाइट बंद करके वो ऊपर से पत्थर चला रहे थे और नीचे से उनके नौजवान पत्थर चला रहे थे। आप देखिए, वैसे सीए आंदोलन में यहाँ पे ड्रोन चले थे, सबने देखे थे, आज कहाँ गए प्रशासन के ड्रोन? क्यों नहीं छतों पर देख रहे हैं? जब कल रात को इतना पथराव हुआ है तो आप कैसे मान सकते हैं कि आज वहाँ पर अब दोबारा ईंट पत्थर या शराब की बोतलें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी होगी उन लोगों ने। शहर बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में है और ये ठीक नहीं है। आप क्या पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, मान लो देरी हुई न्याय मिलने में, तो बजरंग दल का क्या रोल रहेगा यहाँ? देखिए, बजरंग बल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को इस शहर के अंदर उठाते आया है। हम कोई ऐसा काम तो नहीं करेंगे जिससे शहर की शांति व्यवस्था बिगड़े, क्योंकि हमारी योगी जी के अंदर आस्था है। लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से उस परिवार के लिए जो भी हमसे बनेगा, अर्श से लेकर फर्श तक, हम लोग करेंगे और हम उसके लिए बाध्य हैं, हमारा दायित्व है। और क्या मानते हैं, जिस तरह का शहर रहा है अलीगढ़, पुराने अगर दौर से अब तक भी देखेंगे आप, तो उस तरह के अधिकारियों की यहाँ आपको जो है क्या दिक्कत, गंभीरता उन अधिकारियों में है? देखिए, वर्तमान में जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनसे उनका कोई तालमेल नहीं है। जैसे कि जो की पर्सन हैं उनसे उनका कोई तालमेल नहीं है। और तालमेल क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। 1.5 महीने से शहर के अंदर मैं अजान की आवाज़ को लेकर आवाज़ उठा रहा हूँ, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और फिर अगर इसी चीज़ को लेकर कोई हनुमान चालीसा शहर के अंदर बजा देगा तो फिर सांप्रदायिक रूप यही अलीगढ़ का प्रशासन देगा, जैसे कल की घटना में दी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये पुलिस की कमी है जो छोटी सी घटना को इतनी बड़ी घटना होने उन्हें होने दिया। घटना हुई है, इसको क्या मानते हैं? सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है? देखिए, इसमें 2-3 कारण प्रमुख रूप से हैं। एक तो बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी अभी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति से मुक्त नहीं हुए हैं और वो शांति व्यवस्था के लिए काम करते हैं, कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए काम नहीं करते हैं, नंबर एक। नंबर दो यह है कि कुछ अधिकारी हो सकता है वो योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हों, इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को में उदासीनता उनकी परिलक्षित हो रही है। और तीसरा है सीधे सीधे कि जो स्थानीय पुलिस का करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और नगर निगम की जो निष्क्रियता है, वो भी इस घटना का बहुत बड़ा कारण है, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि अलीगढ़ जैसे शहर में प्रशासनिक अधिकारियों का जिस प्रकार का व्यवहार है वो बहुत सामयिक नहीं है, और इसके कारण अलीगढ़ कभी भी आग के ढेर में बदल सकता है। और इसको रोकने के लिए हम सब चाहते हैं कि अलीगढ़ जो एक औद्योगिक शहर है तो इसका विकास की गति अवरुद्ध ना हो, तो इसको रोकने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष होना पड़ेगा, कानून व्यवस्था की स्थापना करनी पड़ेगी, बशर्ते कि वो शांति व्यवस्था को थोड़ा पीछे रखें। केवल शांति व्यवस्था को स्थापित रखने के कारण इन अपराधियों को, जो राष्ट्रविरोधी तत्व हैं उनको, जिहादियों को, वो शय मिलती है और इसके कारण वो अपनी हरकतें करने में कामयाब हो जाते हैं। चौधरी साहब, एक सवाल उठता है, योगी सरकार प्रदेश के बाहर जा जा के कटोरा लेके लोगों से अनुदान मांग रहे, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ बोला उद्योग लगाइए, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाए, हमारे यहाँ से पीसफुल जगह कहीं नहीं हो सकती। इस अलीगढ़ में आज समझो कहीं नहीं, वो समिट इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बाद जो जहाँ उद्यमी आए थे, क्या सोचेंगे इस घटना के बाद वो लोग? क्या नहीं, ये एक छोटी घटना है जिसको पुलिस की निष्क्रियता के कारण बड़ा रूप मिल गया। अगर पुलिस प्रशासन, मैं ये समझता हूँ कि जिस ट्रेंड के पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी अलीगढ़ में हैं, वो अलीगढ़ की परिस्थिति और अलीगढ़ के इतिहास के अनुकूल नहीं है। शासन को उन पर विचार करना चाहिए और सक्षम अधिकारियों को, जो अलीगढ़ की स्थिति परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल हों, उनको यहाँ पर लगाना चाहिए। वरना अलीगढ़ की स्थिति, जो चुनाव आ रहे हैं 2024 के स्थानीय निकाय के, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो दंगा कराकर अपने चुनावी उसको पाना चाहते हैं, उद्देश्य को पाना चाहते हैं, वो सफल हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। जेवी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।